स्टूडेंट्स बेटा, जो है कि हम लोग जो है कि अब एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है रोटेशनल मोशन में, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग 6.5 तक एक्सरसाइज कर चुके थे, ठीक है ना। अब हम लोग 6.6 को स्टडी करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन में बोलो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ पार्टिकल। ये आपका L है, इसको आप L कर लो। पार्टिकल हुज पोजिशन वेक्टर दिया, R दिया है, विद द कंपोनेंट एक्स वाई जेड में। L के पास भी एक्स वाई जेड कंपोनेंट है और R के पास भी एक्स वाई जेड कंपोनेंट है। एंड मोमेंटम ऑफ P विद द कंपोनेंट पी एक्स पी वाई और पी जेड, सो दैट इफ द पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन। पार्टिकल सिर्फ एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो मोमेंटम सिर्फ क्या चेंज होगा, एक्स वाई में चेंज होगा जो भी मोमेंटम आएगा। द एंगुलर मोमेंटम हैज ओनली जेड कंपोनेंट। कि अगर पार्टिकल कहाँ घूमता है, एक्स वाई प्लेन में, तो पक्का है कि पार्टिकल अगर एक्स वाई प्लेन में है तो जो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होगा वो जेड प्लेन में होगा, मतलब एक्स वाई के परपेंडिकुलर जो प्लेन आएगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियस है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जिस प्लेन में पार्टिकल मूव करता है उसके परपेंडिकुलर होता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एंगुलर मोमेंटम। यही हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो अब थोड़ा थोड़ा हम बता दें आपको। देखो, अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो एक एक करके करेंगे। पहले निकालेंगे कि पार्टिकल का मोमेंटम कैसे निकालेंगे, हाउ कैन फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम। तो आपने कहा कि सर हमारे पास जो पोजिशन वैक्टर है वो दिया है एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, ये दिया हुआ है। और जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम सिंपल है ना, वो बोलो कितना है, वो आपका है पी दिया हुआ है। तो हम इसका जो कंपोनेंट के फॉर्म में लिखो इसको, तो पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई, वाई आपका सफिक्स में है जे कैप, और प्लस पी जेड के कैप। तो आपको लीनियर मोमेंटम दिया गया है, उसकी पोजीशन दी गई है। तो हाउ कैन फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर जो मोमेंटम आप निकालते हो, एंगुलर मोमेंटम है ना, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, ये होगा आर क्रॉस पी। अब आर क्रॉस पी मतलब दोनों क्या निकालेंगे, दोनों को हम दोनों का निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो जो एल वेक्टर हो जाएगा आपका, ध्यान देना क्या लिखेंगे यहाँ पर, बोलो जी। यहाँ पर लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, ये आप जानना जानते हो करना। क्रॉस में, क्रॉस को करने के लिए हमें क्या करना होता है, डिटरमिनेंट निकालना होता है। हमें लिखना है इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, फिर कोफिशियंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ वाई हो जाएगा, यहाँ जेड हो जाएगा, फिर यहाँ पी एक्स हो जाएगा, यहाँ पी वाई हो जाएगा, यहाँ पर पी जेड हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए आई कैप क्या आ जाएगा, रो को आपने ब्लॉक किया, सॉरी कॉलम को ब्लॉक किया, रो ब्लॉक किया, और आपने ऐसे करते ना करते मल्टीप्लाई इसका इसमें वाई का, तो वाई इंटू क्या होगा पी जेड माइनस पी वाई इंटू जेड, पी वाई इंटू जेड। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा जी। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे माइनस जे कैप, माइनस जे कैप लिखेंगे ब्रैकेट में। तो क्या करेंगे, इसका रो और इसका, इसका कॉलम और रो ब्लॉक कर देंगे, तो क्या बचेगा एक्स, ऐसे करते हैं आर बनाते हैं ना, एक्स इंटू पी जेड, एक्स इंटू, एक्स इंटू पी जेड और माइनस पी एक्स इंटू जेड, पी एक्स इंटू जेड ये हो जाएगा। और प्लस के कैप क्या होगा, इसको ब्लॉक करो, कॉलम रो ब्लॉक करो, एक्स पी वाई, एक्स पी वाई आ गया आपका, और पी एक्स वाई आ गया, माइनस पी एक्स वाई आ गया, ठीक है ना। ये क्या आ गया तुम्हारा, एंगुलर मोमेंटम आ गया एल वेक्टर, ठीक है ना। अब क्या प्रॉब्लम है कि पार्टिकल सिर्फ कहाँ है, एक्स वाई में मोशन कर रहा है, ठीक है ना। कहाँ कर रहा है पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल इन ओनली एक्स वाई प्लेन। इसका मतलब क्या है कि उसका जो मोमेंटम है जेड में तो है ही नहीं, क्योंकि पार्टिकल तो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो जेड प्लेन में पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है। तो बोलो पी जेड क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। मोमेंटम इन जेड प्लेन क्या सिंपल आएगा, पी जेड क्या आएगा, पी जेड इज वॉट,
लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इन जेड, तो जेड प्लेन में तो पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है ना, एक्स वाई प्लेन में, तो पी जेड क्या तुम्हारा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पर क्या है, देखो ये तो आपका एक्स कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको एल एक्स बोलेंगे, और ये क्या होगा तुम्हारा जे कैप है ना, इसको एल वाई बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे बेटा जी, एल जेड बोलेंगे। ठीक है बेटा जी, मुझे बताइए अगर पी जेड जीरो हो रहा है तो ये आपका पी जेड यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा, इसमें भी पी जेड, यहाँ भी देखो पी जेड है ना, पर पी जेड है और जेड, ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा जीरो, क्योंकि जेड वाला पार्ट तो है ही नहीं, ना मोमेंटम है ना आपका कोऑर्डिनेट उसमें मिलेगा जेड, बोल बच्चा जी। और इसके बाद इधर क्या आएगा, इधर इसमें कहीं जेड नहीं है, तो यही कंपोनेंट आप इसका मिलेगा एल का, अगर पार्टिकल एक्स वाई प्लेन मूव कर रहा है तो ये टर्म, तो जेड वाले टर्म जीरो हो जाएंगे, तो ये क्या मिलेगा, एल वेक्टर क्या मिल जाएगा ब्रो आपका, ये एक्स पी वाई माइनस पी एक्स इंटू वाई, बोल बेटा जी। और ये कौन सा कंपोनेंट है एल का, जेड कंपोनेंट है। तो आई थिंक एंगुलर मोमेंटम सिर्फ किस में मिला, जेड में मिला, यही तो प्रूफ करना था हम लोगों को कि अगर पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो जेड प्लेन में होगा, और ये कौन सा कंपोनेंट है ये, क्योंकि एक्स कंपोनेंट तो गायब हो गया, वाई भी खत्म हो गया, कब खत्म हुआ ये, जब आपने पार्टिकल को एक्स वाई में मूव कराया, अभी तो है पूरा का पूरा, मल्टीप्लाई किया तो पूरा का पूरा मिला, लेकिन एक्स वाई प्लेन को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि एक्स वाई प्लेन पार्टिकल है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा जीरो, सिर्फ जेड कंपोनेंट मिलेगा, किसका मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम का। तो आप प्रूफ कर दिया आपने, ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ गया। अब बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इंपॉर्टेंट है कि टू पार्टिकल ईच ऑफ मास एम स्पीड वी ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग अ पैरेलल लाइन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, ठीक है ना, शो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ वेक्टर ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम, दोनों का मिलाकर इज द सेम वॉट एवर बी द पॉइंट अबाउट विच द एंगुलर मोमेंटम इज टेकन। भाई देखिए, चाहे वो टॉर्क निकाल रहे हो आप, चाहे एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो आप, तो आपको क्या करना पड़ता है, मैंने अभी इसके पहले प्रूफ किया था कि अगर तो है कि किसी भी बॉडी पर कपल काम कर रहा है, एक राइट साइड में एफ काम कर रहा है और लेफ्ट साइड में एफ काम कर रहा है, तो कपलिंग फोर्स काम कर रहा है, तो उसका जो टॉर्क है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है किस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो, ऐसे आपका एंगुलर मोमेंटम है। अगर दो पार्टिकल्स हैं, दोनों का मास सेम है, वेलोसिटी सेम है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उन दोनों पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आप किस पॉइंट के अबाउट उनका एंगुलर मोमेंटम आप निकाल रहे हो। ठीक है बेटा जी, इसे मान लिया आपने कहा कि सपोज किया, मैं समझाता हूँ, आप मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर है, या आपने पॉइंट वो ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पर कोई पार्टिकल मान लो ऐसे मूव कर रहा है, इस पार्टिकल का जो मोमेंटम मान लो m इंटू वी है, ठीक है ना, कितना है सिंपल मोमेंटम m इंटू वी है। तो अब इस पार्टिकल का इस पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो कहोगे सर कि ये जो लाइन है ना, मोमेंटम की जो लाइन है, उस लाइन से क्या करेंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे r, और इस मोमेंटम को इस r में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा तुम्हारा, एंगुलर जो मोमेंटम आपका बनेगा वो बनेगा एम वी इंटू आर, क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम एंड पॉइंट ऑफ एट एंड पॉइंट अबाउट विच वी हैव टेकन द एंगुलर मोमेंटम। तो आपने कहा कि कितना होगा, एम इंटू एम वी इंटू आर हो जाएगा, तो इस कैलकुलेशन को आप लोग याद रखिएगा। तो अब मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, आगे देखो क्या है, जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है, वो भी वेलोसिटी से कहाँ मूव कर रहा है, राइट साइड में, दूसरा पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड में, दोनों की वेलोसिटी सेम है और दोनों का मास भी क्या है, सेम रहेगा, तो मोमेंटम क्या होगा इनका, एम इंटू वी होगा, इसका भी मोमेंटम क्या होगा, एम इंटू वी होगा। अब किसी भी पॉइंट, हमने सिंपल कोई पॉइंट हमने क्या ले लिया, ओ, यहाँ लिया कोई पॉइंट ओ, जो कि पहली इस वाली लाइन से क्या है, एक्स डिस्टेंस से दूरी पर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर लिया हमने एक्स, कहीं भी यहाँ वहाँ कहीं भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू, मैंने सिंपल यहाँ ले लिया। अब कहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है, तो मुझे बताइए कि ये पहले वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा अबाउट ओ, क्या करोगे, इस पार्टिकल का मोमेंटम देखो कौन सी वाइज में होगा, ये क्लॉक वाइज में होगा ना, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमेगा, ये क्लॉक वाइज होगा, और इसका मोमेंटम क्या होगा, एंटी क्लॉक वाइज होगा। तो पहले पी वन वाले का निकालो, ये कहाँ जा रहा है, राइट साइड में, और किसके अबाउट निकालना है हमें, ओ के अबाउट निकालना है, तो हमें क्या करना होगा,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी पड़ेगी लीनियर मोमेंटम और ओ के बीच का, ये कितना होगा, एक्स प्लस डी हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ क्या होगा, सबसे पहले इसका बताओ, क्लॉक वाइज है एंटी क्लॉक वाइज है, इसका एंगुलर मोमेंटम आपका ऐसे तो है, ये आपका क्लॉक वाइज है, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, कितना होगा एम वी इंटू मास इंटू वेलोसिटी, और आर कितना लेंगे, एक्स प्लस डी लेंगे ना मेरा जी, ये लेंगे एक्स प्लस डी ले लेंगे और प्लस, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे का, निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम इस वाले का, जब इस वाले का निकालोगे एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो इसका क्या है, इसका लाइन ऑफ मोमेंटम क्या है, ये है, और कितना डिस्टेंस आपका एक्स है, लेकिन ये कौन सी वाइज है, ये एंटी क्लॉक वाइज है, इसलिए इसको हम क्या लेंगे, माइनस, क्या लेंगे हम इसको, इसको लेंगे माइनस, क्योंकि ये क्लॉक वाइज को हमने प्लस लिया, तो एंटी क्लॉक वाइज क्या लेंगे, माइनस लेंगे, कितना होगा इसका मोमेंटम, एम इंटू वी, और जो लाइन है मोमेंटम की, उस मोमेंटम की लाइन से कितना डिस्टेंस आपका एक्स है, यहाँ आ जाएगा एक्स आ जाएगा। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बोथ पार्टिकल अबाउट ए एम वी एक्स प्लस एम वी डी माइनस एम वी एक्स। अब देखो इससे एक कट जाएगा, तो ये आपका एल ओ कितना आ गया, एम वी डी। अब ये बताओ क्या ये एक्स पर डिपेंड करता है, कि एक्स आपने यहाँ लिया है कि यहाँ लिया है, ना सिर्फ मास पर, वेलोसिटी पर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पर। आप कहोगे दिस इज द इनडिपेंडेंट ऑन एक्स, यानी ये एक्स डिपेंड नहीं करता है, तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना, कि इन दोनों पार्टिकल का टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है ओ पर जो है, पॉइंट ऑफ क्या, जो पॉइंट अबाउट विच एंगुलर मोमेंटम इज टेकन, उस पर डिपेंड नहीं करता, ये पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हो, ठीक है बेटा जी, आई थिंक ये बात आप समझ गए। अब बेटा देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि अ नॉन यूनिफॉर्म बार ऑफ वेट डब्ल्यू इज सस्पेंडेड एट रेस्ट बाई टू स्ट्रिंग नेग्लिजिबल वेट एज सोन इन द फिगर। ये जो स्ट्रिंग आपको दिख रही है इसका वेट कैसा है, नेग्लिजिबल है, ये जो एंगल बनाया हुआ है इसको हम 37 ले लेंगे, इसको हम सिंपल 53 ले लेंगे, ठीक है ना बेटा जी। तो द एंगल्स मेड बाई द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल 36.9 है, 7 कर लिया, 53.1 है, तो उसको 53 कर लिया रेस्पेक्टिवली। द बार इज 2 मीटर लॉन्ग, ये बार क्या है, 2 मीटर लंबा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस डी ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बार फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब देखो क्या है, यहाँ पर इसका वेट है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही होगा, ये क्या होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ वेट लग रहा है। तो लेफ्ट वाले एंड से यहाँ से लेकर इसका हमें डिस्टेंस निकालना, कितने डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है ना, जबकि पूरा का पूरा सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में। बोलो बच्चा जी, ये पूरा का पूरा सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम, ध्यान देना, क्योंकि मैं अब कंपोनेंट के बारे में बात करूंगा आपसे। आपको पता है कि एट इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उस पर जो एफ नेट लगेगा क्या होगा, एफ नेट होगा वो भी जीरो होगा, और टॉर्क नेट भी क्या होता है, जीरो होता है, ये आप जानते हो। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो एफ नेट और टॉर्क नेट दोनों का जीरो होना जरूरी है। अब क्या करें बताओ, ये कितना टेंशन, आप 36 पॉइंट, अपर 37 लगा है ना आपका, बोलो बच्चा जी इसमें कितना आएगा टेंशन, बोलो, इधर टेंशन आपका आ जाएगा टी, इसको टी वन ले लेंगे, क्योंकि इसको टी वन ले लेंगे, और इधर कितना टेंशन आएगा बोला जी, इसको हम टी टू ले लेंगे। मुझे बताओ अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस सब के सब बराबर होंगे, तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, ये एंगल बताओ कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका होगा 53 होगा सिंपल, ठीक है ना, इसको अगर रिजॉल्व करूं एक्स, ये आपका हो जाएगा तुम्हारा सिंपल एक्स एक्सिस हो जाएगी इधर, और इसको हम वर्टिकल करके रिजॉल्व करें इधर ऐसे बेटा, देखो ध्यान से ये ऐसे करें रिजॉल्व, तो देखो ये आपका वर्टिकल आ गया, तुम्हारी आ गई एक्स एक्सिस आ गई। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये तुम्हारा होगा 37 है कि नहीं है। अब बताओ टी वन का कितना कंपोनेंट ऊपर आएगा, टी वन का जो कंपोनेंट ऊपर आने वाला है उसका नाम होगा टी वन कॉस 37, और टी टू का टी वन कॉस 37 ऊपर आने, बोलो बच्चा जी है कि नहीं, और टी वन का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, बोलो, ये आएगा टी वन साइन 37, ये कंपोनेंट तोड़ दिया हमने। अब टी टू को तोड़ो आप, टी टू को आप कहोगे सर कि टी टू जब जाएगा ऊपर की तरफ कितना काम करेगा, टी टू कॉस 53, और इधर क्या आएगा, टी टू साइन 53। अब बताइए वर्टिकल फोर्सेस आपस में कैंसिल करने वाले, आपको पता है, ठीक है बेटा जी, ये तो कन्फर्म है कि इधर वाला जो जो लेफ्ट वाला फोर्स है जो क्या है, राइट वाला फोर्स, वो बराबर होगा, क्योंकि सिस्टम किसमें है,
इक्विलिब्रियम में है, तो हॉरिजेंटल की बात कर लेते हैं, तो आप यहाँ कर इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन की बात करो, डायरेक्शन अगर हम कहाँ जाते हैं हॉरिजेंटल डायरेक्शन जाते हैं, तो भाई ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स बराबर, क्योंकि सिस्टम पूरा किसमें इक्विलिब्रियम में है, तो आप क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर, इधर क्या लिखोगे, अब साइन 37 क्या होता है, 3/5 होता है, तो 3/5 t1 है कि नहीं बेटा जी, इक्वल टू क्या होगा इधर कॉस 53 क्या होता है 4/5 होता है, तो ये साइन 53 है ना, तो ये साइन 53 होता है 4/5, तो t2 4/5, इधर क्या हमें t1 t2 में एक रिलेशन मिल गया, तो यहाँ से सॉल्व करोगे 5/5 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3t1 = 4t2, यहाँ से हम t1 t2 में एक रिलेशन मिल गया, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको मैंने आपको 1 2 जो भी ले लो आप इसको 1 मान सकते हो, ठीक है। अब मुझे बताओ इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या होगा, अगर हम बात करें इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो इसमें क्या होगा, उसमें वर्टिकल फोर्स ऊपर कितना फोर्स लगाए, ऊपर फोर्स t1 cos 37 t2 cos 53, ये वाला फोर्स किससे बैलेंस होगा, इस वेट से बैलेंस होगा, क्यों, क्योंकि वेट कहाँ लगा है नीचे, ये दोनों फोर्सेस कहाँ लगे हैं, ऊपर लगे हैं, तो आप यहाँ क्या कर लोगे t1 और cos 37 क्या होगा तुम्हारा 3/5, कितना होगा cos 37 आपका, हाँ 37 आपका ना तो बड़ा होगा ना, 5/5 क्या होगा तुम्हारा 4/5 है ना, और प्लस द t2 cos 53 है ना, तो t2 और cos 53 कितना हो जाएगा 3/5 है ना, इज इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा वेट ऑफ द रॉड, ये हो जाएगा बेटा जी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें है, इसको सॉल्व करो 5 उधर भेज दो आप, तो क्या हो जाएगा हमारा, बोलो 4t1 बोलो जी, अब प्लस 3t2 = 5 × w, वेट आ गया, ये सिंपल सी कंसेप्ट होगा, ठीक है बेटा जी। अब 1 और 2 को रीअरेंज करते हैं, देखो कैसे निकल के आएगा आपको, तो आपने कहा ठीक है सर यहाँ कितना आपका है फ्रॉम 1, ये 1 है आपका, 2 है ना ये, तो यहाँ से क्या करो इस t2 की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या है देखो 4t1 + 3 कितना है t2 बताओ, 3/4 t1 होगा ना, ये यहाँ से 3/4 हो जाएगा t1, बोल बच्चा जी है ना, और इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा 5w, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो सॉल्व करो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका जो t1 आ गया, t1 इक्वल टू आ गया 4/5w आ जाएगा, देखो t1 निकल गया इन टर्म ऑफ वेट, और इसी t1 की वैल्यू चाहे इसमें रखो किसी में रखो, यहीं रख दो t1 की वैल्यू, आपका क्या निकल जाएगा t2, तो आपका t2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, t2 आपको मिल जाएगा 3/5w, ये काम बन गया आपका। अब मुझे बताओ ये सिस्टम पूरा किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, इस पर नेट टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। अब मुझे बताओ इस पर नेट टॉर्क निकाल लेते हैं, ठीक है बेटा जी, एक वेट यहाँ लगा है। अब क्या करेंगे, तीनों पॉइंट के अबाउट, चाहे 1 2 3 पॉइंट्स हैं, किसी एक पॉइंट के अबाउट, मान लो हमने इसको माना ए, इस पॉइंट को किसी ए इसी एंड से निकालना, इस पॉइंट को हमने माना ए, इसी पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है, चाहे इसके अबाउट निकालो चाहे इसके अबाउट निकालो, बात एक ही आने वाली है, तो आपने कहा हमने इसके अबाउट निकालना है टॉर्क, है ना, इसके अबाउट, तो टॉर्क अबाउट ए क्या होगा बेटा जी, तो ये वाला जो इसके ये वाले यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, ये वाले फोर्स काम कर रहा है, ये वाला फोर्स, ये तो काउंट ही नहीं होगा, कौन कौन काउंट होगा, एक तो आपका डब्लू काउंट होगा, है कि नहीं बेटा जी, ध्यान देना, जो फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग आ जाए आगे पीछे बढ़ाने से, इससे पास हो चाहे ऊपर नीचे इससे पास हो, वो कभी भी टॉर्क नहीं बनाएगा, यानी ये वाला टॉर्क नहीं बनाएगा, ये टॉर्क नहीं बनाएगा, और ये भी टॉर्क नहीं बनाएगा, क्योंकि इस लाइन के अलॉन्ग जा रहा है, ये सिर्फ क्या है W बनाएगा, और क्या बनाएगा t2 cos 53 बनाएगा, क्यों बच्चा जी, तो मुझे बताओ टॉर्क क्या होगा तुम्हारा, ये कौन सी वाइज है, ये क्लॉक वाइज है ना, ये कौन सी वाइज है, क्लॉक वाइज है, तो W बनाएगा क्लॉक वाइज, W इंटू कितना डिस्टेंस है आपका, ये D, तो W इंटू D है ना बेटा जी। अब बताओ ये वाला फोर्स क्या बनाएगा, ये वाला जो फोर्स टॉर्क बनाएगा कितना बनाएगा, बोलो बच्चा जी, अब ये वाला टॉर्क बनाएगा इसके अबाउट कितना बनाएगा, t2 cos, लेकिन ये बनाएगा माइनस में, तो माइनस t2 cos 53 डिग्री इंटू कितना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है 2, ये कर देंगे, क्योंकि टॉर्क आपका 0 है, नेट टॉर्क आपका 0 है ना, जब टॉर्क आपका 0 है तो आप क्या करोगे, ट्रांसफ़र कर दोगे,
क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो टी टू कॉस 53 इज इक्वल टू, अच्छा इंटू टू इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू डी। क्यों बच्चा जी, बस हो गया आपका। टी टू कितना आपका बोलो जी, 3/5। कॉस 53 कितना होता है, 3/5। यहाँ क्या आ गया सिंपल, 2 आ गया, इज इक्वल टू है ना बेटा जी वेट। अब देखो बेटा जी क्या है, वेट T2 की वैल्यू क्या है, 3/5 इंटू डब्ल्यू है ना, देखो 3/5 डब्ल्यू है, और डब्ल्यू से डब्ल्यू क्या है तुम्हारा कट जाएगा, वेट से वेट कट गया, और कितना 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 अपॉन क्या आ गया 25 आ गया, ये D आ गया, और D की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आपकी आ गई 0.72 मीटर आ जाएगी। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप सही ढंग से कैलकुलेट करोगे तो आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ गए आप। देखो शानदार क्वेश्चन आपका है, मैंने डायग्राम पहले ही बना दिया कि टाइम कम लगे। अ कार वेट 1800 kg, द डिस्टेंस बिटवीन इट फ्रंट एंड बैक एक्सेल इज 1 मीटर। जिसकी व्हील है ना, ये जो उसका एक पहली जो फ्रंट की व्हील है, जो रियर व्हील है यानी बैक की व्हील, इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है 1.8 मीटर। इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्जली। तो आपने कहा कि भाई ठीक है, यहाँ से कितना है बोलो जी, जीरो कितना है आपका जी। तो अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है ये कि 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सल, या कि फ्रंट व्हील है ना, इसके जस्ट बैक में कितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ काम कर रही है, यहाँ काम कर रही है mg, कितने डिस्टेंस पे 1.05 मीटर पे है ना, फ्रंट व्हील से कितना डिस्टेंस पे है 1.05 मीटर पे। डिटरमाइन द फोर्स एग्जर्टेड बाय द लेवल ग्राउंड ऑन ईच फ्रंट व्हील एंड ईच बैक व्हील। इंपॉर्टेंट है देखो ध्यान से, क्या है देखो ध्यान से कि भाई कह रहा है कि इन दोनों व्हील के बीच का कितना डिस्टेंस है 1.8 मीटर, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। अच्छा, और कह रहा है कि फ्रंट व्हील से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस क्या है 1.05 मीटर, तो पक्का ही कितना होगा, क्योंकि 1.8 मीटर है तो आप इस पूरा का पूरा माइनस करोगे इसमें से, इसको 0.7 मीटर ही आ जाएगा डिस्टेंस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको निकालना है कि ये जो फ्रंट व्हील पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है N1, और सेकेंड जो बैक व्हील पर जो नॉर्मल लग रहा है वो N2, इन दोनों को कैलकुलेट करना है। दोनों को नहीं याद रखना, यहाँ पर आगे दो व्हील होती है, एक व्हील पर हमने कितना लिया, हम पूरा का पूरा निकाल रहे हैं, पूरा दोनों व्हील पर निकाल रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन ना प्रॉपर प्रॉपर तरीके से। जब नॉर्मल रिएक्शन निकलेगा N1, तो ये इस N1/2 एक व्हील पे होगा, और N1/2 इसके साथ दूसरी व्हील पे होगा। तो ईच पे निकालने के लिए क्या है, इस पे यहाँ पर दो व्हील है, तो पहले N1 निकाल लेंगे, पूरा प्रॉपर दोनों पे एक साथ लग रहा है N1, मान लिया ना, मान लिया। अब ये मानेंगे कि N1/2 इसको दे देंगे, N1/2 उसको दे देंगे, तो जो ईच व्हील पर लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो N1/2 होगा, एक व्हील पे दूसरे पे N1/2 होगा। ऐसे बैक वाले भी क्या होगा, अगर हमने N2 निकाल लिया तो N1/2 एक व्हील पे होगा, और दूसरी जो साथ में लगी हुई है उस पर क्या होगा N2/2 होगा। तो पहले हम N1 N2 निकाल के बाद में हम उसका अपॉन 2 कर लेंगे, ठीक है ना। पूरा का पूरा सिस्टम किसमें, इक्विलिब्रियम में है, किसमें बेटा जी इक्विलिब्रियम में। तो हम मानते हैं कि अगर सिस्टम किसमें है, एट इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आप कहोगे सर इस पर लगने वाला जो एफ नेट है वो क्या होगा, एफ नेट 0 होगा, टॉर्क नेट भी क्या होगा, ये आपका 0 होगा, सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है कि नहीं बेटा जी बोलो। तो अब क्या करेंगे, सारे फोर्सेस को हम देख लेंगे, ऊपर कितना फोर्स लगा बेटा जी, अगर ये आपकी कार के ऊपर कितना, ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा है N1 और N2, तो N1 + N2 इज इक्वल टू mg होगा कि नहीं होगा, और mg आपको दिया कितना है 1800 kg, तो N1 + N2 कितना हो जाएगा, N1 + N2 आपका आ जाएगा 1800 kg। ये तो निकल के आपका आ गया, kg क्या है 1800 × g भी तो आएगा ना, ये तो आपका मास है ना आपका, ये सिंपल जी आ गया, ये तो इक्वेशन आपका ये बन गया, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब आप बताइए, अब टॉर्क निकाल लीजिए, क्योंकि सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो टॉर्क भी आपका 0 होगा ना, चाहे जिसके अबाउट निकालो टॉर्क, टॉर्क आपका 0 देगा। तो जो जो आप उसी पॉइंट को कंसीडर करो, यहाँ बहुत सारे पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को करते हैं सेलेक्ट, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट क्या है हम टॉर्क निकाल रहे हैं। क्यों बेटा जी, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट हम टॉर्क निकालना चाहते हैं तो बताइए कि टॉर्क, क्योंकि टॉर्क भी तो टॉर्क भी 0 है सेंटर ऑफ, तो टॉर्क, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चलो बताओ
अब इसको तो आपने कहा कि सेंटर, अब इसको आपने पकड़ लिया तो इससे तो इस पॉइंट से ये वाला फोर्स पास हो रहा है, तो ये कम एम जी कभी बनाएगा ही नहीं टॉर्क। कौन कौन टॉर्क बनाएगा? एक तो N1 बनाएगा, ये कौन सा बनाएगा तुम्हारा? ये एंटी क्लॉकवाइज। और N2 कैसा बनाएगा? क्लॉकवाइज। तो बताइए N1, पहले N2 का टॉर्क निकालते हैं कितना होगा बेटा जी, N2 का टॉर्क। अब दोनों में से एक को ले लो पॉजिटिव, एक को लो डिपेंडिंग आनी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने N1 को पॉजिटिव ले रहे हो आप, क्योंकि नज़दीक है ना, तो N1 को पॉजिटिव ले रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, इसे क्या ले लोगे आप? निगेटिव ले लोगे, डिपेंडिंग आनी हो। तो आपने कहा कि मान लो N1 को मैंने पॉजिटिव लिया तो कितना बनाएगा टॉर्क, ये बताओ, ये कितना बताएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1.05। इसको आपने पॉजिटिव लिया है, ये कहाँ बनाएगा? ये बनाएगा क्लॉकवाइज, इसको आप निगेटिव ले लोगे। क्यों बच्चा जी? कितना होगा? N2 इंटू 0.75, क्योंकि टॉर्क तो नेट टॉर्क इसमें जीरो है, इसको जीरो कर लोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये जैसे जीरो होगा ना, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो आपने कहा सर वास्तव में है क्या N2 इंटू 0.75 इज इक्वल टू क्या होगा? N1 इंटू 1.05 है कि नहीं बेटा जी? यहाँ से क्या होगा तुम्हारा, अगर आप N1 निकालो तो आपको आ जाएगा 5/7 इंटू N2 निकल जाएगा, क्योंकि हमें N1 N2 निकालना ही है। अब इस N1 की वैल्यू कहाँ रख दो? इसके पास रख दो, N2 के पास रख दो, है ना? तो क्या हो जाएगा बोलो जी? तो यहाँ से जो आपका N1 निकल के आएगा, या N1 की वैल्यू पुट करो चाहे N2 के, डिपेंडिंग ऑन यू, है कि नहीं बेटा? क्योंकि यहाँ से N1 कितना आ गया, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा तुम्हारा? जाएगा N1 बोलो, और प्लस, सॉरी यहाँ N1 की वैल्यू क्या पुट कर दो पहले वाले में, बोलो जी, रख दो 5/7 N2, है ना, प्लस N2 इक्वल टू क्या है? 800 इंटू 9.8 रखना होगा एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ से आपने N2 कॉमन ले लिया, क्या बचा आपका? 5/7 अब प्लस 1 इज इक्वल टू 800 इंटू 9.8 बच गया, ठीक है बेटा जी? यहाँ से हम N2 को कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिल जाएगा N2 हमारा, सारी वैल्यू पुट करने के बाद ये मिल जाएगा आपका 10290 न्यूटन मिल जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन, ठीक है ना? और अगर हम इसी N1 की वैल्यू, इस N2 की वैल्यू यहाँ रख दें तो बोलो हमें N1 क्या मिल जाएगा? हमें N1 मिल जाएगा आपका, वैल्यू पुट कर 7350 न्यूटन मिलेगा। तो ये हमें दो वैल्यू मिल गई, N2 भी मिल गया और N1 मिल गया। तो फोर्स ऑन फ्रंट व्हील क्या होगा? फोर्स ऑन फ्रंट व्हील क्या होगा बोलो जी? N1/2 होगा, इसे हम करते हैं तो यह आ जाएगा 3675 न्यूटन आ जाएगा। अपॉन करना होगा ना, ईच पे निकालना होगा, तो एक पे N1/2, दूसरे भी N1/2 ही आएगा। क्यों बच्चा जी? बात सही है ना? अब बताओ फोर्स ऑन बैक व्हील N2/ क्या होगा? बैक व्हील्स N2/ क्या होगा? 2 होगा। ये सिंपल आ जाएगा 4 1, नहीं इसका डिवाइड करेंगे तो मैं लगता है 5145 न्यूटन आ जाएगा। तो आई थिंक मेरी बात समझ गई कि आप हाउ कैन कैलकुलेट इट, कि कैसे हम करेंगे। पहले N1 निकाल लेंगे, N2 निकाल लेंगे, और हमने दोनों की हेल्प ली, मैंने F नेट की भी हेल्प ली और टॉर्क नेट की हेल्प जीरो करके हमने कैलकुलेट कर लिया। आई थिंक प्रोसेस आपको समझ में आया, ठीक है बेटा। अब बेटा जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड टू अ हॉलो सिलेंड्रिकल सिलेंडर एंड अ सॉलिड स्फीयर बोथ हैविंग द सेम मास एंड सेम रेडियस, है ना? द सिलेंडर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड द स्फीयर आर फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, विच ऑफ द टू विल एक्वायर द ग्रेटर एंगुलर स्पीड ऑफ अ गिवन, है ना? अब टॉर्क क्या होता है? इसका जो टॉर्क है, टॉर्क 1 एंड टॉर्क 2, ये दोनों है बराबर, ये क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है ना? टॉर्क होता क्या है? टाउ 1 होता है I1, इसका देखो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है I अल्फा, I1 अल्फा 1, ये क्या होगा तुम्हारा I2 और अल्फा 2। इसका जो एंगुलर वेलोसिटी के, अगर अल्फा, अच्छा टॉर्क अगर सेम है,
तो बेटा यहाँ से हम क्या लिखेंगे, टॉर्क क्या लिखेंगे, आई वन, यह होगा तुम्हारा ओमेगा वन अपॉन टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है ना, होता है ना एक्सलरेशन होता है, यहाँ पर टाउ टू क्या लिखोगे, आई टू, यहाँ ओमेगा अपॉन टी, है ना। अब इन दोनों को बराबर करो, बराबर करोगे टी से टी क्या होगा, कट जाएगा ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा, बोलो जी, अब बराबर टाउ वन टाउ टू बराबर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई वन ओमेगा वन इक्वल टू क्या होगा, आई टू ओमेगा टू। ये इक्वेशन क्लियर होगा, क्यों बेटा जी। अब क्या है कि अगर ये दोनों बराबर है तो इसका क्या मतलब होगा, मतलब इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब जिस अगर आई वन बढ़ेगा, अगर आई वन बढ़ेगा इधर से, बोलो बच्चा जी, तो पक्का है कि ओमेगा वन कम होगा, तभी तो जाकर क्या है ना इक्वेशन बनेगा। अब मुझे बताइए दोनों में से किसका आई वन ज़्यादा है, अगर हम दोनों की बात करें तो, अगर इस रिलेशन को मेंटेन रखना है तो आप कहोगे यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर आई टू बड़ा है ना, टू अपॉन फाइव है ना, ये एम आर स्क्वायर है, ठीक है बेटा जी, ये टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर है, ये आपका एम आर स्क्वायर, तो यहाँ क्या देखो, यहाँ पर आई टू छोटा हो ना, आई टू क्या है, आई टू छोटा है किससे, आई वन से। तो मुझे बताओ अगर आई टू आई वन से छोटा है ना, आई टू क्या है, आई टू छोटा है किससे, आई वन से, तो पक्का है कि ओमेगा टू बड़ा होगा ना ओमेगा वन से, क्योंकि ये रेशियो तभी बड़ा होगा ना। आप यहाँ से क्या बोलोगे कि सर देखिए आई टू अगर बड़ा किससे है, आई वन से, तो आई टू अगर बड़ा हो गया, आई टू नहीं बड़ा ना, आई वन बड़ा, सॉरी कौन बड़ा, हाँ यहाँ देखो यहाँ से क्या है, आई टू अगर छोटा है आई वन से, तो ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, रेशियो को मेंटेन रखना है तो पक्का क्या होगा, ओमेगा टू की क्या क्या होगा बेटा जी, तो ओमेगा टू बड़ा होगा किससे, ओमेगा वन से। यानी कहने का मतलब ये होगा कि जो आपका सॉलिड स्फीयर है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू क्या है, हॉलो स्फीयर। आई थिंक मेरी बात, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्सिया ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, लेकिन इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू हॉलो स्फीयर। अब इसको देखने से मान लीजिए यहाँ पर लिखा आपने 3 × 5, तो यहाँ क्या लिखोगे 5 × 3, तो आप देख रहे हो कि अगर यहाँ पर क्या है, 3 छोटा हुआ 5 क्या है बड़ा हुआ, तो 5 का जो मल्टीप्लाई हुआ वो छोटा होगा और इसका मल्टीप्लाई वो बड़ा होगा ना, इसीलिए कहते हैं अगर आई टू छोटा हुआ और आई वन क्या है बड़ा हुआ, तो आई वन आई टू का जो मल्टीप्लाई ओमेगा टू वो बड़ा होगा और आई वन ओमेगा वन क्या होगा छोटा होगा, तभी ये रेशियो मेंटेन रहेगा। यानी आप कह सकते हो ओमेगा टू इज ग्रेटर देन क्या है, ओमेगा वन, ठीक है बेटा। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 kg रोटेट्स अबाउट इट एक्सिस विथ एंगुलर स्पीड 100 रेडियन पर सेकेंड। आपको दिया गया एंगुलर स्पीड दी गई है, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इतना दिया गया है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन ऑफ सिलेंडर एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। तो आपसे क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है के, ये कौन सी एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, और आपका जो L होता है वो होता है I ओमेगा। इन दोनों कैलकुलेशन के लिए आपको I का निकलना बहुत ज़रूरी है, बिना I निकाले आप तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, तो पहले हम I निकाल लेते हैं। तो कौन सा ये सिलेंडर है बोलो जी, सॉलिड सिलेंडर का I बोलो क्या होगा, अभी आपने पढ़ा है 1/2 क्या होगा, एम आर स्क्वायर, तो 1/2 एम कितना दिया हुआ है, 20 kg, और R कितना दिया है आपका, 0.25 का होल स्क्वायर, हम इक्वल टू निकालेंगे तो आ जाएगा 0.625 kg/m² है ना, एम आर स्क्वायर होता है, ये तो आ गया तुम्हारा। अब यहाँ से क्या निकल जाएगी तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी, बोलो क्या हो जाएगी, 1/2 × I, आई की वैल्यू क्या आ गई, 0.625 × I, और इंटू क्या है ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा दिया हुआ आपका 100 रेडियन पर सेकेंड इसका स्क्वायर, सॉल्व करोगे 3125 जूल आ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा अब बोलो क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, एल एक फार्मूला क्या सिंपल, एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है, बस 0.2 क्या है, 0. कितना है, 625 इंटू व्हाट इज द ओमेगा, 100, क्या आ जाएगा तुम्हारा 62.5, ठीक है बेटा जी।
जूल और सेकेंड। ठीक है बेटा जी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक ये समझ गए आप बात। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, देखो ध्यान से।